ओम क्रीम काली नमो। प्रभात खबर .com में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर एन के वेरा खुरी तरीका तीज व्रत के संबंध में वर्णन कर रहे हैं कि स्त्री जाति का वर्ष भर का सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रसिद्ध व्रत खुरी तरीका तीज का व्रत हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही मनाया जाता है। इस वर्ष हरितालिका तीज 6 सितंबर शुक्रवार को होगा। सौभाग्यवती महिलाएं अपने सौभाग्य को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा कन्याएं भावी जीवन के सुखी दाम्पत्य जीवन को प्राप्त करने के लिए इस व्रत पर्व को तपस्या की तरह निर्जला निराहार कर पूर्ण करती है। जिन लोग पहली बार इस व्रत को कर रहे हैं उन लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस व्रत में 24 घंटे बिना पानी और भोजन के रहना पड़ता है। एक दिन पहले हाथों पर मेहंदी लगाएं, शाम के समय नए कपड़े पहनकर सुलह सिंगार जरूर करें। इस दिन हरितालिका तीज की व्रत कथा सुनें और सुनाएं। मान्यता है कि इस दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए निर्जला व्रत किया था। इस दिन न केवल निर्जला व्रत रखा जाता है बल्कि पूरी रात जागकर भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। इस वर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि की प्रारंभ 5 सितंबर गुरुवार को दिन को 10:15 में होगा। तृतीया तिथि की समाप्ति 6 सितंबर शुक्रवार को दिन को 12:08 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार हरितालिका तीज व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। पहली हरितालिका तीज पूजा का शुभ समय 6 सितंबर को सुबह 6:01 से सुबह 8:33 तक होगा। इस व्रत में शिव जी और माता गौरी की पूजा की जाती है। महिलाएं दिन में व्रत रखती हैं और शाम को सुलह श्रृंगार करके शिव जी और माता गौरी की पूजा करती है। मिट्टी और बालू से भगवान शिव माता पार्वती और गणेश की मूर्ति बनाकर केले के पत्ते का मंडप बनाते हैं। मूर्ति के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं, फल फूल मिठाई माला दुर्वा बेलपत्र अर्पित करें। देवी पार्वती को चूड़ियाँ बिंदी आलता नेल पॉलिश लिपस्टिक सिंगार सामग्री लाल पोशाक आदि सामग्री अर्पित करें। हरितालिका तीज व्रत कथा सुने और सुनाएं। इसके बाद शिव जी माता पार्वती तथा श्री गणेश जी का आरती करें। अगले दिन व्रत का पालन करें। नमस्कार। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।